सर बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। फिल्म लेकर आ रहा है, एक नई फिल्म आपकी समर जी के साथ आ रही है। सबसे पहले फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शक। एक तो मैं सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम जो फिल्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है भगवान हाजिर हो, जिसमें समर जी का बहुत ज़बरदस्त इसमें एक लीड रोल है, लीड हीरो है। बहुत अच्छी पिक्चर है, लेकिन ये मैथोलॉजिकल नहीं है। जैसे भगवान हाजिर हो बोलते हैं तो आदमी को लगता है कुछ भगवान भगवान पर है, ये भगवान पर नहीं है, ये आम पब्लिक के ऊपर है, आज के नवयुवक के ऊपर पर है, और वो क्या क्या समाज में करते हैं, जो कुप्रथाएँ उनको कैसे वो तोड़ना चाहते हैं। ये एक मैसेज पिक्चर है और जो समाज के लिए है और यंग एज वाले लड़कों के लिए। पहले तो लहरें देख रहे सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है, और हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं ये बताइए। फिल्म आ रही है सर के साथ आपकी, सबसे पहले तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सर ने कहा कि माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन फिल्म के टाइटल से दर्शकों को ऐसे लगेगा कि माइथोलॉजी है फिल्म। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि पहली चीज़ तो सर ने हमारे ऊपर विश्वास किया, और इसके डायरेक्टर सचिन भाई हैं, सचिन यादव जी, जो कि इसके पहले भी फिल्में कर चुके हैं। तो अभी तो हम लोगों ने एक गाना शूट किया है और कुछ सीन शूट किए हैं मुंबई में, और गाना बहुत अच्छा शूट हुआ है, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर आज़ाद सिंह जी हैं, और हम लोगों ने इसको शूट किया करजत में दिया सर के फार्म हाउस पे, तो बहुत अच्छा लगा। और ये फिल्म एक अलग फिल्म है, और हम कहानी अभी आधा पढ़े हुए हैं, आधा बाकी है, लेकिन कहानी एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है, और मज़ा आएगा लोगों को। एक संदेश भी है इससे कि नहीं, हाँ क्या गलत हो रहा है उसको सही कैसे किया जाए, ये सब टाइप की कहानी है। कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, सारा कुछ इस फिल्म में है। सर, इससे पहले आपने कल्लू जी के साथ फिल्म की जी, समर जी को लेने का क्या खास मकसद है इस फिल्म में? देखिए, हर कैरेक्टर का एक अपना रूप होता है, आप उस कैरेक्टर में जिसको ढालना चाहते हैं वही सटीक होता है। एक वही चीज़ अगर आप लेकर के कंटिन्यू लेकर के जाते हैं और उस कैरेक्टर के लिए वो फिट नहीं बैठते हैं, तो वैसे बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, बहुत अच्छा, मुझे इज्जत भी बहुत देते हैं, लेकिन क्या ना, वो उस कैरेक्टर में जो था वो समर जी में था, है ना। और दो हीरो की कहानी है, समर जी हैं, परवेश लाल यादव जी हैं, तो दोनों उस कैरेक्टर के लिए एकदम फिट बैठ रहे थे, तो जिसके कारण मुझे मेरा पहला चॉइस तो यही रहा। समर जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने क्यों इस फिल्म के लिए आपको क्या पसंद आया इस फिल्म? नहीं, कहानी हम लोग सुने और उसके बाद सर से बात हुई हमारी, और बातें अच्छी लगी, और हम भी चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ काम करना, तो सर तो बहुत अच्छे हैं, बेटे की तरह मानते हैं, और सचिन भाई हमारे हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं जो डायरेक्टर हैं, और पहली बात कि हमारे पूर्वांचल से हैं, जौनपुर से हैं, तो एक अपनापन भी मिलता है, तो सभी लोग अपने हैं, मिल के काम करना है। और खुशी की बात है कि इस फिल्म में दिनेश भैया भी गेस्ट अपीयरेंस के रूप में हैं, परवेश भैया हैं हीरो, जो कि दो हीरो की कहानी है, और मिल के काम करेंगे, अच्छा काम होगा, और आशीर्वाद देना आप लोगों का काम है जी। सर, शूटिंग की बात कर ले तो अब कहाँ पर शूट की जाएगी? जैसे आपने कहा कि फिल्म के गाने शूट हुए हैं, लेकिन बाकी फिल्मों की शूटिंग कहाँ? जौनपुर में कर रहे हैं, जहाँ का और वो सेकंड और फाइनल, ये क्या कुछ सीन थे जो कि हमको यहाँ पर करना था, और जो रेलवे स्टेशन वहाँ नहीं मिलता है, कुछ लोकेशंस अच्छे लोकेशंस थे जो कि वहाँ पर हम शूट कर लिए, लेकिन सभी मेजर वर्क है वो है जौनपुर में, जो 12 अप्रैल से स्टार्ट टू फिनिश, मैंने वन से, वैसे हम फिल्म बनाते वन शेड्यूल में, लेकिन इसको दो शेड्यूल में करना पड़ गया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्राउड थे, एक दिन का आधा दिन का, वो हमने इधर निपटा लिया। इसके बाद वाला जितना है सीन वो है जौनपुर में, वो 12 अप्रैल से। समर जी, जैसे कि आप लोग बहुत सारे लोकेशन पर शूट करते हैं, मुंबई करते हैं, गुजरात करते हैं, यूपी करते हैं, तो जब अपने शहर की बात आती है, जैसे आप पूर्वांचल से हैं, पूर्वांचल में शूट होती है, तो कितना अपनापन लगता है शूट के दौरान? बहुत अच्छा लगता है, लोगों का इतना प्यार मिलता है वहाँ पे,
और अपने घर में कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो तो सबको खुशी होती है, तो हमको भी खुशी होती है कि नहीं हमारे अपने लोगों को वहाँ पे रोज़गार भी मिले, काम भी मिले। और बहुत सारे लोग हैं जो कि लोकल के वहाँ के लोग रहते हैं तो वहाँ काम भी करते हैं, तो एक अच्छा लगता है और सब लोग सपोर्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, क्या खास है उनके, उनका क्या स्पेशल होने वाला है? नहीं, उनका क्या है, गेस्ट अपीयरेंस में है और गेस्ट अपीयरेंस में उनका एक गाने हैं उनके साथ और एक दो सीन है, लेकिन बहुत अच्छा उनका ये आम्रपाली जी हैं, दिनेश जी दोनों हैं। समर जी, इससे पहले भी दिनेश जी और आम्रपाली ने आपकी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस किया था, एक गाना किया था जी, तो वापस से वो रिपीट होने वाले हैं आपकी ही फिल्म में, तो क्या वजह है कि आपकी, आपका नाम लेकर वो मान जाते हैं या सर की भरपाई? नहीं, देखिए भैया बहुत अच्छे हैं, दिनेश भैया पूरे इंडस्ट्रीज में एक अलग उनका स्थान है, मतलब सबको बहुत प्यार करते हैं और हमको लगता है कि सर की बात भी हुई भैया से, तो भैया तैयार हैं, करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो शुरू से प्यार दिए हैं तो कहीं हम लोग को नकारते नहीं हैं, जैसे कि विनाशक थी हमारी, तो विनाशक में भी भैया ने गाना सुना तो उनको पसंद आया गाना, बोले कि नहीं हाँ करेंगे, तो हम लोगों ने किया, तो उनका प्यार हमेशा मिला है और हम चाहते हैं महादेव से कि हमेशा मिलता रहे। प्रवेश जी, इस फिल्म में आपके साथ है जी, ऐसा कब होगा कि दिनेश जी के साथ आपको स्क्रीन शेयर करोगे, आप उनके साथ कोई फिल्म में नजर आएंगे? अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि कब हम और भैया एक साथ काम करेंगे, आएगा बहुत जल्दी, कुछ होने वाला है बड़ा, तो अभी तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं क्योंकि एक फिल्म हम लोग बनाने वाले हैं पुलिस विभाग के ऊपर, तो उसमें चल रहा है वर्क और भैया भी रहेंगे, इस इंडस्ट्रीज के और दो बड़े चेहरे रहेंगे, सब लोग मिल के बनाने वाले हैं, तो अभी कहानी पे हम लोग लगे हुए हैं, जैसे ही कहानी पूरी हो जाती है तो हम लोग उसका अनाउंस करेंगे, मुहूर्त भी होगा तो सबसे अपना बात होगी, लेकिन दिनेश भैया की बात है तो वो शुरू से ही प्यार देते आए हैं और उनके जैसा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत अलग किस्म के हैं, हमेशा प्यार दिए हैं, हमारे फिल्म में विनाशक में भी किए भैया, फिल्म मुंबई गुजरात रिलीज हुई, अभी यूपी में रिलीज होने वाली, होली के बाद डेट आने वाला है, तो डेट आएगा तो मैं बताऊंगा कि नहीं कब रिलीज होगी। अच्छा, जब भी दिनेश जी आपसे मिलते हैं तो क्या बातचीत होती है आपके जैसे कि आपके गाने रिलीज होते हैं तो क्या वो सुनते हैं आपके गाने? हमारा गाना भैया सुनते हैं और बताते भी हैं कि नहीं हाँ ये ऐसा करो और अच्छा होगा, तो वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि नहीं आप अच्छा काम करो, ये करो, ये सीखो, वो सीखो, तो ये एक अपनापन दिखता है ना, कि नहीं हाँ बताने वाला बहुत कम होते बताने वाले लोग, तो वो बताते हैं कि नहीं बाबू ये करो, से करो, तो अच्छा लगता है। सर, म्यूजिक के बारे में जाना चाहूँगी, कितने गाने हैं और फिल्म में म्यूजिक कौन दे रहा है? 7 गाने हैं इसमें और म्यूजिक दिया है आजाद सिंह जी ने, बहुत अच्छा म्यूजिक बन रहा है, अभी तक 3 गाने हो चुके हैं और 4 गाने अभी करीब करीब कंप्लीशन सिस्टम पर ट्यून बना रहे हैं वो लोग, तो बहुत अच्छे गाने थे, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि अच्छे गाने बने, है ना, एक तो दिनेश जी गा रहे हैं, समर जी के वॉइस में इनका 3 गाने हैं, प्रवेश जी का भी है, बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं, देखते हैं और आगे पब्लिक कैसा पसंद करती है। बहुत अच्छे गाने, हमने ट्यून भी सुना और हम हमेशा जो भी फिल्म का म्यूजिक रहता है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है कि नहीं पब्लिक के टेस्ट से हम लोग गाने बनाते हैं, करते हैं, तो अभी आज़ाद भैया ने हमारे विनाशक में म्यूजिक किया था तो गाना तो बहुत बड़ा हिट है, हमारे पति देव जी ये सब गाने, तो ऐसे ही बैठ के सब लोग बनाते हैं, अब गाना हम लोग जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तो गाना सुनने के लिए आप लोग को मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन कोशिश यही रहना चाहिए कि जो कोरोना वायरस अभी जो फैला हुआ है, थोड़ी एक साल थोड़ा सा होली इस बार फीका रहेगा और रहना भी चाहिए, आदमी एक दूसरे से मिले नहीं, ज़्यादा नहीं करे, जितना कम से कम अबीर, क्योंकि ज़्यादा चाइना से आता था और चाइना में कब कहाँ भगवान मालिक कौन सा वायरस आ जाए, इसलिए होली आप
इंडियन जो भी अबीर हो उसी से खेलिए, रंग से मत खेलिए। समर जी आप कैसे मनाने वाले हैं होली? क्या आपके अंदर भी कोरोना वायरस का डर है? नहीं, हमको ये सब कोई वायरस वायरस का डर नहीं है। हम लोग देसी बॉय हैं, गांव से हैं, तो देसी अंदाज में रहते हैं और हम लोगों को कोई वायरस पकड़ने वाला नहीं है। बस ये है कि हाँ, अगर वायरस ऐसा है तो आप लोग सावधान रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए, बाहर न निकलिए। और ऐसा कोई वायरस वाला है तो उसको हटाइए वहाँ से या फिर प्रशासन को जानकारी दीजिए। बाकी हम लोग देसी हैं, हम लोग को कोई वायरस नहीं पकड़ने वाला है। हम लोग खुद वायरस हैं। हम लोग देसी बॉय हैं तो देसी बॉय जमीनी आदमी। गांव में अगर चोट भी लग जाती है, खून बहता है, तो आदमी मिट्टी लगा लेता है, वो सही हो जाता है। तो देसी आदमी को कोई वायरस पकड़ने वाला नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे तो होली के मौके पर दर्शकों? हाँ, होली का ढेर सारी शुभकामनाएं और जे जहाँ है वहीं से आराम से होली मनावे, कोरोना वायरस से बच के। अब महादेव करें कि सबकर होली बढ़िया से बीते। हमारे तरफ से हैप्पी होली।